हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ एकदम सरल तरीके से हम कैसे नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। आज मैं पहले दिन यानी स्थापना डे की पूजा दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले एक टेबल या चौकी को अच्छे से साफ करके हम उस पर लाल कपड़ा बिछा लेंगे। उसके बाद आप कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं, उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। फिर हम वहाँ चावलों से एक स्वस्तिक बनाएंगे। अगर आप डायरेक्ट चौकी पे कर रहे हैं तो आप लाल कपड़ा बिछा के चौकी पे माता को बैठा सकते हैं, बट हमने टेबल ली है तो अब हम उस पर हमारा पाटा या चौकी रखेंगे, स्वस्तिक बना के उस पर हम लाल कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर माता की मूर्ति या फिर माता की फ़ोटो आप कुछ भी रख सकते हैं। गणपति जी की भी स्थापना करेंगे, हमारे पास दोनों है तो हम दोनों रख रहे हैं। फिर हम एक प्लेट ले रहे हैं, उस प्लेट में हम बनाएंगे स्वस्तिक और एक छोटी प्लेट में भी। तो ये देखिए दोनों प्लेट्स में स्वस्तिक बन गया है। एक में हम ज्वारों का कुंडा रखेंगे, माता की राइट साइड पे हमें कलश रखना है और लेफ्ट साइड पे ज्वारों का कुंडा। तो ज्वारे कैसे उगाने हैं उसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। छोटी प्लेट में हमने चावल भरे, फिर हम उस पर कलश रखेंगे, कलश पे 9 टिक्की लगाएंगे, मौली बांधेंगे, कलश में पानी भरेंगे, थोड़ा गंगा जल डालेंगे, हल्दी डालेंगे, दुर्वा घास डालेंगे, 1 रुपए का सिक्का, सुपारी और थोड़े से चावल। अगर आपके पास हल्दी की गांठ हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। फिर हम आम के पत्तों पर हल्दी कुमकुम लगा रहे हैं और उन्हें हमारे कलश में रखेंगे। फिर हम हमारा जो नारियल है उस पर भी हम हल्दी रोली लगाएंगे, चावल लगाएंगे और उसको एक लाल कपड़े से हमें बांधना है। तो ये लाल चुंदड़ी भी मिलती है मार्केट में, आप उससे भी बांध सकते हैं और उस पर आप मौली बांध दीजिए। गणपति जी को हम जनेऊ पहनाएंगे, उनको तिलक करेंगे, चावल लगाएंगे अच्छे से, इसी प्रकार फिर हम उन्हें मौली पहनाएंगे, माता रानी को भी टीका लगाएंगे, शेर को भी टीका लगाएंगे, चावल लगाएंगे, मूर्ति को भी टीका लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, चावल लगाएंगे और माता को हम मौली पहनाएंगे, इत्र लगाएंगे सभी देवी देवता को, कलश को। इसके बाद हम जितना भी श्रृंगार का सामान है वो श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे और माता को चुंदड़ी उड़ाएंगे। अब मेरी जो चुंदड़ी थी वो बहुत बड़ी थी उसमें, इसलिए मैंने अलग चढ़ाई है, वरना वो 16 सामान वाली चुन्नी ही चढ़ा सकते हैं। फिर गणपति जी को दुर्वा चढ़ाएंगे और माता को फूल, सभी जगह हम फूल चढ़ाएंगे। अब हम बनाएंगे नवग्रह, नवग्रह स्थापना के लिए। तो यहाँ तो मैं नॉर्मल चावलों से बना रही हूँ, बट कलर करके चावलों से कैसे शेप देके बनानी है उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अब या तो आप इन पे सुपारी रख सकते हैं, पर मैं नहीं रख रही हूँ। नवग्रह पे मौली चढ़ाएंगे, हल्दी कुमकुम और फूल चढ़ाएंगे, इसी प्रकार भगवान को भी फूल हमने चढ़ा दिए ही हैं। नवग्रह को आप ऐसे चावल की ढेरी से भी बना सकते हैं। अब अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो वहाँ पीछे आप अखंड दीपक जलाएंगे राइट साइड पर, और यहाँ सामने हमने दीपक की पूजा करी है। अब माता को लौंग और बताशों का प्रसाद जरूर चढ़ता है, तो हम लौंग और बताशों का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब ये सारी सामग्री जो मैंने वीडियो में दिखाई थी उससे हम हवन करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे थोड़ी हवन सामग्री रखेंगे, फिर कपूर रखेंगे और उन्हें जलाएंगे। इस वीडियो में मैं बिना गोबर के उपले के बिना सिखा रही हूँ, और हवन कैसे करेंगे गोबर के उपले के साथ उसका वीडियो भी मैं अलग से बना दूंगी। तो उसमें हम नारियल चढ़ाएंगे, लोबान चढ़ाएंगे, घी चढ़ाएंगे और हमें 2 लौंग और 2 इलायची एक बार में चढ़ानी होती है। प्रतिदिन जब आप माता की आरती करें तो इसी प्रकार से आपको हवन करना है। फिर हम अगरबत्ती या धूप बत्ती भी जला लेंगे, धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री डालते रहेंगे जब तक हम हमारी पूरी आरती करेंगे। फिर कोई से भी हमें फल चढ़ाने होते हैं, अगर किसी वजह से 5 नहीं मिल रहे हो तो 2 चढ़ा दीजिए, वरना 5 चढ़ाने होते हैं। फिर हम मीठे के रूप में बताशा भी चढ़ाएंगे अग्नि में, ज्योत में, हवन में, घी भी चढ़ाते रहेंगे हम। 3 बार हमें घी चढ़ाना है, 3 बार हमें हवन सामग्री चढ़ानी है। तो ये देखिए हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। नवग्रह को अलग शेप में कैसे बनाना है, वैसे तो नॉर्मल हम ऐसे इजी वे में ऐसे भी बना सकते हैं, बट अगर आप शेप में बनाना चाहते हैं अलग अलग शेप में, तो वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो फिर हमने आरती कर ली माता की,
ये देखिए आरती हो चुकी है। डेली रूटीन की कैसे पूजा करनी है उसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।